नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग एक रिमोट कंट्रोल टेस्टर बनाएंगे और ये रिमोट कंट्रोल टेस्टर बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं तो ये रिमोट टेस्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और ये बनाना भी बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा पार्ट्स लगता नहीं है, तीन चार पार्ट से ही ये काम हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें ये एक बजर चाहिए। ये 5 वोल्ट का बजर है। ये आप 12 वोल्ट का भी आता है लेकिन 12 वोल्ट का हमें नहीं लेना है क्योंकि हम इसे 5 वोल्ट से ही ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप बजर ले लीजिएगा। इसमें देखिए दो पिन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें मैं पकड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पे दो पिन है। तो इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इस तरह से इधर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए पॉजिटिव का साइन बना हुआ है और नेगेटिव का नहीं बना हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव मानना है पिन को, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद दोस्तों हमें एक चाहिए LED। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रीन LED का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो रेड और येलो LED को भी यूज कर सकते हैं। ब्लू LED और वाइट LED का यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो वोल्टेज ज़्यादा लेता है और ये कम वोल्ट से भी जलता है, ठीक है। ये हमारा 1.5 वोल्ट से आसानी से जल जाएगा, लेकिन अगर वाइट वाला और ब्लू वाला को आप जलाना चाहेंगे तो वो 3 वोल्ट लेगा, ठीक है। तो उसे वो भी लगा सकते हैं लेकिन उसे लगाने के लिए आपको फिर ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक चाहिए रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 110 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आप 1/4 वाट का ही लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है 1 वाट या 1/2 वाट का लेना। अब दोस्तों ये एक लेना है IR रिसीवर, ठीक है। IR सेंसर रिसीवर है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 3 पिन आपको दिख रहा होगा। तो इन तीनों पिनों का क्या क्या काम है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला पिन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा आउटपुट है और बीच में जो पिन आपको दिख रहा होगा वो हमारा ग्राउंड है, और राइट साइड में जो आपको पिन दिख रहा होगा वो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है। और ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है दोस्तों। तो ये आपके पास तो ज़रूर ही होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस बजर को क्या करेंगे, हम अपने इस तरह के जो आर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए, उसमें हम इसे फंसा लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बजर है। बजर में देखिए ये वाला पिन जो आप देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। दोस्तों देखिए इस सेंसर में जो हमारा ये वाला पिन आप देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में डालेंगे और ये जो लास्ट वाला पिन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट को नेगेटिव में डालेंगे, बजर के नेगेटिव में, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ देते हैं पहले। तो जोड़ने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें हम पेस्ट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और पेस्ट लगाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसे सोल्ड करेंगे। तो ये देखिए सोल्डिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, LED का भी कनेक्शन कर लेते हैं इसी में। तो LED को लगाने के लिए ये देखिए ये जो हमारा LED है, इस LED में आप देख रहे होंगे एक पॉइंट जो है वो बड़ा है और एक पॉइंट छोटा है। तो ये जो छोटा वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे अंदर में देखिएगा, बाहर में नहीं देखना, पिन को नहीं देखना है, अंदर में देखिएगा। तो ये आपको छोटा पिन दिख रहा होगा वो हमारा प्लस है और बड़ा वाला जो होता है वो माइनस है। तो माइनस हमारा जो बजर का माइनस कौन सा है, ये वाला हमारा माइनस है और ये प्लस है। तो LED को भी हम लोग उसी तरह से लगाएंगे, यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे और एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस भी हम लोग लगाएंगे, ये देखिए ये जो हमारा है 110 ओम का रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस हम या तो इधर लगा दें या तो इधर लगा दें। तो आप देख लीजिए मैं कैसे लगाता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से मोड़ लिया है। आप भी चाहें तो जिस तरह से आप चाहें उस तरह से मोड़ सकते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए, हम पॉजिटिव में इसे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। तो दोस्तों अब हम एलईडी को भी जोड़ देते हैं। देखिए, इस तरह से हमें एलईडी लगाना है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है, और जो बजर में मैं लगा रहा हूँ वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है एलईडी का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने इसे सोल्ड किया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई इसे देख कर देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें सप्लाई हमें 5 वोल्ट ही देना है, और इसे आप चाहें तो किसी एडेप्टर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे एडेप्टर में लगा कर भी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 5 वोल्ट की सप्लाई हम देखिए यहाँ पे देंगे। ये हमारा निगेटिव है, जो सेंसर का जो बीच वाला पिन है वो हमारा निगेटिव है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का कंबाइन आप देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो ये दोनों में हम वोल्टेज को देकर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पीला वाला जो वायर आप देख रहे हैं वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, और रेड वाला वायर जो देख रहे हैं आप वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, देखिए इस तरह का है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो सेंसर है वो काम करने के लिए रेडी है दोस्तों। तो इसमें हमने 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। और ये रहा देखिए हमारा एक रिमोट, ठीक है, कोई भी रिमोट आप ले सकते हैं चेक करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे हम रिमोट को दबाएंगे तो देखिए, ठीक है, इस तरह से ये आवाज़ करेगा और लाइट ब्लिंक करेगा। तो समझ जाइए कि ये जो रिमोट है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा काम करेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला जो बटन है इसका खराब है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। नीचे वाला देखिए काम नहीं कर रहा, ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे, एक जो 5 वोल्ट का एडेप्टर कोई भी आप ले लीजिए मोबाइल का, उसमें इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, यही हमारे पास 5 वोल्ट का एडेप्टर है, तो इसी में हम लोग इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसे यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, अंदर में 5 वोल्ट का कनेक्शन करके, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई का जो आउटपुट है, ये देखिए यहाँ से ये आउट हुआ है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देख कर हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक प्लग है, ठीक है, यहाँ पे हम इसे लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है। जैसे ही मैं, ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितना शानदार काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ बटन दबा कर दिखाता हूँ, ठीक है, और लाइट भी दिख रहा होगा दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा तरह से काम कर रहा है ये। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों।